सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहे टाइम टू टाइम, और साथ ही साथ इस ज्वाइन बटन को दबा के हमारे मेंबरशिप के फ़ायदे आप ले सकते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं कुछ 10 ऐसे एनओसी के बारे में जिनके लिए कि अभी एलएमआईए में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया है और जिनके लिए अभी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए और किस तरह की रिलैक्सेशन हुई है इसके बारे में जानने के लिए आज का पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में अभी कहा था कि यहाँ पे जो है कनाडा में अभी फूड प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कैसे बोलते हैं कि वैकेंसीज़ क्रिएट हो रही हैं और काफ़ी सारे मतलब फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे कि वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं और जिसके लिए लेबर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और जिसके लिए अगर अभी हम एलएमआईए के लिए अप्लाई करते हैं देन काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और जिसकी वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ देखी कि काफ़ी सारे एलएमआईए पहले से ही पेंडिंग है और कुछ एलएमआईए जो हैं वो आने वाले हैं, खास करके इन 10 एनओसी में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कैनेडियन इकोनॉमी को चलाने में, क्योंकि ये एसेंशियल गुड्स में आते हैं। तो ये एक ऐसे सेक्टर हैं खास करके जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो जाए, एग्रीकल्चर हो जाए या फिर सी फूड हो जाए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब खाने के लिए चीज़ें ही नहीं होंगी तो इकोनॉमी का आपको क्या करना है या फिर आगे की लाइफ का क्या करना है जब खाने के लिए चीज़ें ही नहीं है। इसलिए ये जो 10 एनओसी हैं इसके लिए अभी एलएमआईए में एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप एलएमआईए के बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि एलएमआईए लेने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पहले तो आपको लोकल बंदे को ढूंढना पड़ता है उस पोजीशन के लिए। अगर वो बंदा नहीं मिलता देन ही आप फॉरेन कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं, और फॉरेन कैंडिडेट को हायर करने के लिए आपको 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं आप फॉरेन कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं। तो ये जो 3 महीने वाला चक्कर था उसको अभी वेव ऑफ कर दिया गया है इन 10 एनओसी में जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी डिमांड में है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी भी हैं। तो अगर आप इन 10 एनओसी को बिलोंग करते हैं, मतलब आपके पास इन 10 एनओसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशन है, देन आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं और एलएमआईए इसमें जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इसमें 3 महीने का जो नोटिस पीरियड या फिर जिसे एडवर्टाइजमेंट पीरियड बोलते हैं वो चीज़ अभी वेव ऑफ कर दी गई है। तो बहुत जल्दी एलएमआईए आ सकता है एम्प्लॉयर के पास। तो ये जो 10 एनओसी हैं वो कौन कौन से हैं आगे हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे एनओसी है वो है एनओसी 6331 जो कि खास करके बूचर के लिए है, मतलब जो लोग भी मीट काटने का काम करते हैं ना उन लोगों के लिए यह एनओसी है। अगर आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस है बोल के आ जाएं, आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एक्सपीरियंस, तभी जाके कहीं ये काउंट होगा आपका एनओसी के लिए, अदरवाइज आपका एनओसी काउंट नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी सारे मीट कटर हैं तो सही, बट जो लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग इसमें काउंट नहीं होंगे। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एक्सपीरियंस दिखाने में। और दूसरा जो यहाँ पे एनओसी है वो है 7511 जो कि है ट्रक ड्राइवरों के लिए, और ट्रक ड्राइवर भी अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। और जैसे कि एक वीडियो में हमने कहा था कि हमारे पास भी कुछ वैकेंसी है ट्रक ड्राइवर के लिए, जिसके लिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे एनओसी है वो है 8252 जो कि एग्रीकल्चर सर्विस के लिए है, मतलब जैसे सुपरवाइज़र हो गया या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर आपने कुछ पढ़ाई कर रखी है देन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पे एनओसी है वो है 8431 जो कि फार्म वर्कर के लिए है, तो अगर आपके पास फार्म वर्कर का एक्सपीरियंस है या फिर आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रखी है देन आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एनओसी कोड है वो है 8432 जिसका कि मतलब है आप अगर नर्सरी या फिर ग्रीन हाउस वर्कर हैं देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एनओसी है वो है 8611 जो कि हार्वेस्ट लेबर के लिए है, और उसके बाद जो एनओसी है वो है 9463 जो कि फिश वर्कर के लिए है या फिर सी फूड से जो वर्कर डील करते हैं उन लोगों के लिए है। मतलब ज़्यादातर टाइम आपको हो सकता है कि कोस्टल एरिया में आपका टाइम बिताना पड़े। और उसके बाद जो एनओसी है वो है 9617 जो कि है प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के लिए, खास करके फूड प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करने के लिए ये एनओसी है। और जैसे कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि फूड प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस एनओसी की। तो अगर आपके पास इसके रिलेटेड एक्सपीरियंस या एजुकेशन है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
पर ये एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो देन मच बेटर है, अदरवाइज़ हो सकता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी जाए। उसके बाद जो NOC कोड है वो है 9618, जो कि सी फूड प्रोसेसिंग के लिए है। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग का था उसी तरह से सी फूड जो है उसको प्रोसेस करने के लिए ये NOC कोड है। जो लोग भी सी फूड को प्रोसेस करने का काम करते हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी जो NOC बचा है वो है 9462, जो कि इंडस्ट्रियल बूचर का यहाँ पे NOC कोड है। आप अगर इसमें भी बिलोंग करते हैं देन आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे NOC में आपको अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज़ करनी रहेगी, एक ईमेल आईडी मैं नीचे दे दूंगा, उसमें आप अपना जो है NOC के हिसाब से आप अपना असेसमेंट करवा सकते हैं कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर मेरे को आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी भी नीचे दे दूंगा, तो उसमें भी आप मेरे को भेज सकते हैं अपना रिज्यूम, और फिर मैं उस हिसाब से फिर आपको बता दूंगा कि आप इन NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको करनी ही चाहिए। वैसे मैं बता दूँ कि काफ़ी सारे अभी कैनेडियन फॉर्म्स हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों का रिज्यूम प्रोसेस करने के लिए फ़ीस लेते हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आप अगर किसी फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं मतलब कनाडा से, जैसे कि हमारे भी कुछ टाइप्स हैं, तो अगर आप उनको भी लेते हैं देन उनके कुछ फ़ीस होते हैं जो कि आपको पे करना रह सकता है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो लोग के ड्राइवर के लिए अप्लाई किए थे, जिन लोगों का भी शॉर्टलिस्टेड हुआ है रिज्यूम, उनसे कुछ पैसे मांगे गए हैं, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे से बात किए कि ऐसा ऐसा है। तो हाँ, मैंने उन कंपनियों से भी बात की और प्रोसेसिंग के लिए वो कुछ फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। हम जो फ़ीस चार्ज करते हैं 799, जो कि वर्क परमिट के लिए है, तो उससे कहीं ज़्यादा वो लोग चार्ज करते हैं। बोल सकते हैं कि पीछे एक ज़ीरो आप लगा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा वो लोग चार्ज करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि उनसे करवाना है नहीं करवाना है, या फिर आप चाहें तो मेरे से भी ये चीज़ करवा सकते हैं। बट बेटर ये रहता है कि अगर कोई कैनेडियन फर्म आपके लिए या फिर कैनेडियन कंसल्टेंसी आपके लिए प्रोसेस करके देती है तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि कैसा है कि कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हम इंडिया से हैं और वो कैनेडा से हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एवेल्यूएशन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। तो आप सोच विचार कर लीजिए और देख लीजिए कि किस तरह से आपको इन NOC में अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो जॉब बैंक्स है उसमें जाके ये NOC ढूंढने हैं। जैसे ही आपको इसके रिलेटेड जॉब्स मिल जाते हैं देन आपको उसमें अप्लाई करना है एक इंटरनेशनल CV फॉर्मेट के साथ। इतनी चीज़ें आप कर देंगे देन मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे के प्रोसेस समझने में। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दे दूंगा। सो ये था आज का हमारा वीडियो, होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।